हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, यहाँ पर जानेंगे व्हाट विल हैपन विद द सिचुएशन इन योर माइंड। जो भी सिचुएशन आपके माइंड में चल रही है, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है आपके माइंड में, उसके उस सिचुएशन के साथ होगा क्या? ठीक है, ठीक हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, कितना लंबा चलेगी, क्या करना पड़ सकता है आपको कि ये सॉल्व हो जाए, तो बहुत तरह के इन्फॉर्मेशन हमें इस रीडिंग में मिल सकती है। तो अगर आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं तो हो सकता है कि ये रीडिंग आपको हेल्प कर दे। तो जल्दी से मैं रीडिंग को स्टार्ट कर लेती हूँ बिना देर करे और देख लेते हैं कि क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। लेकिन गाइस, शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह ही बता दूँ कि ये जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो, सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचें आप देख सकते हैं, हेल्प हो सकती है आपकी। एंड अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है, डिटेल में जानना है अपने बारे में, तो फिर इसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मुझको DM कर सकते हैं। प्राइसेस और डिटेल्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सन, द वर्ल्ड। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यू विल बी फाइन गाइस। सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। थ्री कार्ड्स यहाँ पर ऐसे, और देखना यहाँ से तो व्हील ऑफ फॉर्चून का एक कार्ड आ गया आपके माइंड में। इसका मतलब जो भी सिचुएशन है वो सिर्फ आपको परेशान कर रही है और आप नेगेटिव होते जा रहे हो और आपको लगता है कि मूव ऑन करना बेटर है। बट आई विल से नो, दिस इज़ नॉट ट्रू स्टोरी, ये सच नहीं है। आप सिर्फ पजल हो रहे हो क्योंकि अभी आपको कुछ क्लियरिटी नहीं है, क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसीलिए आप परेशान हो रहे हो। आपको रात को नींद नहीं आती, आप टेंशन ले लेते हो, आप बोर, फिर आप टायर्ड हो जाते हो, बोर डल दिखना शुरू हो जाते हो और फिर आप थक हार के बोलते हो चलो छोड़ दो, मूव ऑन कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यही वो सिचुएशन है जो आपको विक्ट्री तक लेकर जा रही है। अभी थोड़े टाइम के बाद, आफ्टर वन मंथ, आप बोलोगे जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। विद इन वन मंथ आप अपनी सिचुएशन को अच्छे से चेंज होते हुए देखोगे और एक अनदर लेवल पर फील करोगे खुद को, क्योंकि ब्राइट सन, कितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं, मतलब डिवाइन के भी इतने सारे कार्ड्स हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून पहले भी आया है रीडिंग में, अब भी आ गया है द व्हील ऑफ फॉर्चून गाइज, और विद सन एनर्जी, और देख रहे हो आप सक्सेस का कार्ड है यहाँ पर। तो अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो या फिर आप अपने स्टडी में जो भी है आप स्ट्रगल कर रहे हो, या आपको जॉब नहीं मिल रहा है ना, तो घबराना नहीं है, बहुत जल्दी आपका टाइम चेंज होने वाला है, समय का पहिया घूमेगा। वेट अ सेकंड, मेरा कैमरा थोड़ा हिल रहा था, मैं उसको एडजस्ट कर रही हूँ। समय का पहिया घूमेगा और आप देखोगे बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। अगर आप देखो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने कनेक्शंस में ना, तो वो भी बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं भाई। दिस इज़ द मैरिज कार्ड एंड दिस इज़ ऑल्सो अ, ये बहुत वेल्दी कार्ड है, बट अगर मैं इन तीनों कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाऊँ तो यहाँ से भी मैरिज सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है। शादी हो गई है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं मैरिज में तो रिजॉल्व होने वाले हैं, शादी हुई ही नहीं है और बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो कि शादी हो जाए, तो यस, कुछ नया रिश्ता, कोई कमिटमेंट आ रहा है आपके पास, वो बहुत अच्छी जगह से आ रहा है, जहाँ से भी आ रहा है, बिकॉज़ यूनिवर्स ये सब आपको देना चाहते हैं। जैसे ही सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी ना, आप देखना बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आप अपनी लाइफ में देखोगे, आप बिल्कुल ऐसा फील करोगे। देखो अभी सिनेरियो क्या चल रहा है, नाइन ऑफ सोर्ड्स का, आगे नाइन ऑफ पेंटिकल में कन्वर्ट हो रहा है। ये यहाँ डार्क में हो, यहाँ लाइट में हो, यहाँ फ्री हो, यहाँ डल कपड़े पहने हैं, यहाँ बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, यहाँ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। एक्चुअली अभी भी कर सकते हो, लेकिन आप फ्यूचर को सोच सोच के परेशान हो रहे हो
और फोकस नहीं कर पा रहे हो और नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हो, जबकि सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सिचुएशन आपको दिख रही है बुरी, लेकिन ये है नहीं, बस आप प्रोसेस में हो। सब अच्छा होने वाला है नियर फ्यूचर में। और पता है, कुछ अच्छा करवाना चाहते हो यूनिवर्स से, तो उस तरह से अच्छा फील भी करना होता है, उतना स्ट्रांग बनना होता है हमें कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम यूनिवर्स से मांग रहे हैं, वो हमें देंगे। वो तभी देंगे जब आपकी एनर्जी बहुत प्योर और बहुत पॉजिटिव होगी, ठीक है? और डोंट वरी, आप पॉजिटिव रहोगे, क्योंकि तभी तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून स्टार्ट हो रहा है ना, गुड लक स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। तो सब अच्छा हो जाएगा, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है और अपनी हीलिंग पर ही फोकस करना है, ठीक है? मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स चेक कर लेती हूँ आपके लिए, यहाँ से क्या कार्ड आएंगे इनको बाद में लेंगे, पहले अच्छे से शफल करेंगे कार्ड्स को। वेट अ सेकेंड, चलिए अब देखते हैं। एक कार्ड आया, सीक्रेट स्केचेस, एक और कार्ड, बहुत ही खूबसूरत से डोर दिखे मुझे यहाँ पर। देखो, ये तो बहुत ही प्यारा है, ब्लू स्काई ब्लू कलर का डोर है, इतनी सारी ग्रीनरी है, फ्लावर्स हैं यहाँ पर, और इसमें भी ब्लू कलर है, तो लाइट और डार्क ब्लू कलर। तो यानी कि ब्लू कलर बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस। आप जब भी मैनिफेस्ट करें, और अगर आपको ब्लू कलर दिख रहा है, तो इसका मतलब बहुत अच्छा है ये। तो वंडर एंड सीक द फैमिलियर एंड फ्रेंडली काइंड, ड्रॉ मेमोरीज इन स्केचेस फॉर अदर्स टू फाइंड। तो यहाँ पर आपको क्या है, वंडर एंड सीक द फैमिलियर एंड फ्रेंडली काइंड, ड्रॉ मेमोरीज, लाइक ये आपको ना इमेजिनेशन ही यूज़ करने के लिए बोल रहा है ये कार्ड, कि जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, उसको ना उसी तरीके से विजुअलाइज़ करना शुरू कर दें। या अगर आपको स्केचिंग आती है, या ड्राइंग्स आती हैं, या नहीं भी आती, तो भी अगर आप जो जो आप चाहते हो उस तरह से आप ड्रॉ करें, ठीक है? लाइक आपको थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करना पड़ सकता है, इससे ना पता है आपकी इंट्यूशन भी हाई होगी, और मतलब थोड़ा सा यूनिवर्स के जो मैजिकल जो ट्रेड्स हैं ना, आप उसको पहचान पाओगे। लाइक आप थोड़ा इमेजिनेशन का यूज़ करें। एंड द ओडिसी जो कार्ड है ना यहाँ पर, टेक इन द ब्यूटी ऑफ कंट्री लैंड्स एंड बॉटनी, एक्सप्लोर द वंडर लाइक अ जिप्सी ट्रेवलर ओडिसी। लाइक जैसे एक जिप्सी होता है ना, कैसे वो पूरी दुनिया देखता है, घूमता है, यहाँ वहाँ जाता है, तो अभी ना इस चीज़ से रिलीज़ कैसे करोगे खुद को, यही सिखाया जा रहा है इन दोनों कार्ड्स के थ्रू। तभी तो यहाँ पे इतना ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर इमेजिनेशन भी दिखाता है, डीप फीलिंग दिखाता है, जो आप चाहते हो वो फील करो, और ये सोचो कि जो आप चाह रहे हो वो पूरा हो रहा है, ठीक है? थोड़ा सा इन्जॉय करो लाइफ को, थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करो, अपने लिए भी टाइम निकालो। ये आपके लिए आया है यहाँ पर, ठीक है? एक दो कार्ड्स और देख लेते हैं। वैसे तो कार्ड्स बहुत ही अच्छे आए हैं, जो जिस जैसे आप ये जो ट्रैप कर लेते हो ना खुद को डर में, इस डर से बाहर आना है आपने। ये आपका करंट टास्क है। इमोशनल लॉस अगर होता है, तो उसको उससे भी डील करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा आपको, एंड तभी आपको अवेयरनेस मिलेगी और आप आगे भी बढ़ोगे लाइफ में। तो डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, जो भी है, ये सारी फीलिंग्स में हो आप अभी, यही सब कुछ सोचते हो आप, दैट इज़ वाई इतना नेगेटिव हो जाते हो। लेकिन सिचुएशन तो ये बदल जाएगी, आप ही को एक्शन लेना पड़ेगा कि इसे कैसे ख़त्म करोगे, कैसे इसके साथ डील करोगे। तो इमेजिनेशन बहुत अच्छी चीज़ है। इमेजिनेशन जितना करोगे, विजुलाइज़ करोगे, जो आप चाहते हो फ्यूचर में पाना, वही सब कुछ, तो बहुत अच्छा टाइम आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और सच में ये बहुत जल्दी आने वाला है आपकी लाइफ में,
और आप बहुत ज़्यादा खुश भी होने वाले हो, तो अच्छा टाइम अट्रैक्ट कर रहे हो. अभी नहीं आया बट बहुत जल्दी आ जाएगा. ठीक है, दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो. अभी के लिए बस इतना ही. बाय बाय, टेक केयर.